समर वेकेशन। अब अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो शायद तुम किसी दूसरे प्लैनेट से हो। राजू, राजू, राजू। अरे ये एलियन लोग कभी अपना ट्रांसलेटर नहीं लगाते। हाँ, अब तुम बोल सकते हो। मम्मा, ये समर वेकेशन क्या होता है? अरे बेटा, समर वेकेशन मुझे नहीं पता क्या होता है। जिसकी वीडियो है उससे पूछो। अब स्कूल के राक्षस तुम्हें अप्रैल में ये छुट्टियाँ देते है। क्या लिखा हुआ है वैसे ये पन्ने पे? गर्मी की छुट्टियाँ होती है बड़ी लंबी, हो जाते हैं बच्चे बड़े बोर। अच्छा ठीक है फिर कभी। तो बच्चों के एग्जाम्स भी खत्म हो चुके हैं और गर्मियाँ भी आ रही है, और केविन शायद तुम पिघल रहे हो। क्या? मुझे लगता है वक्त आ गया है बच्चों को गर्मी की छुट्टियाँ देने का, क्योंकि मुझे भी मेरे बच्चों को नानी के यहाँ लेके जाना है। अले ले ले ले, गुल्लू पुल्लू। जाओ नानी के पास, मुझे उसकी बहुत याद आएगी। तुम लोग को पता है गर्मी की छुट्टी से भी बड़े क्या होते हैं? बच्चों के छुट्टी के प्लान्स। अगर वो पहाड़ गर्मी की छुट्टियां है तो वो पहाड़ बच्चों के नहीं, तो वो वाला पहाड़ बच्चों के नो, तो वो वाला पहाड़ बच्चों के हाँ वही वाला पहाड़ बच्चों के प्लान्स है। तुम्हारे ग्रुप में एक ना एक बंदा ऐसा हो गई जो बेफालतू के प्लान्स बनाएगा। इस बार हम लोग एडवेंचर पे चलेंगे। रहने, इसने पिछली बार भी यही बोला था, फिर ये इसके खुफिया गांव भाग गया था, और इसका गांव तो भारत के नक्शे में भी नहीं है। हम लोग काली पहाड़ी के पीछे चलेंगे, वहाँ पे शायद मॉन्स्टर्स भी हो। वहाँ पर नशेड़ी घूमते हैं, रात में नंगे होके खुद की पीठ पे बॉटल फोड़ते हैं। मॉन्स्टर्स। काली पहाड़ी के पीछे ना मेरी दादी भी मर गई थी। जॉर्जी, तेरी दादी को हार्ट अटैक आया था और तू अपनी भूलने की दवाई टाइम से लिया कर यार। क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरी दादी कैसी दिखती थी? तुम्हें यकीन भी कैसे हो रहा है इसकी बातों पे? शायद इस एडवेंचर पे हमें ड्रैगन भी मिल जाए। सीरियसली, अभी तक यकीन कर रहे हो तुम इसकी बातों पे? तू ना चुप रह, तू बस जलता है यूवी से। सुनना, मेरी दादी ऐसी दिखती थी क्या? तुम गर्मी की छुट्टी के लिए कितने ही प्लान्स बना लो, लेकिन आखिरी में तुम्हें जाना तो नानी की आई है। भाई, वो उसकी नानी के पास जा रहा है। तो जाने दो ना, क्या हो गया? लेकिन उसकी तो नानी नहीं है। नानी नहीं है मतलब? मर गई। कोई बात नहीं, मैंने देखा ये जो पेरेंट्स लोग होते हैं गर्मी की छुट्टियों में बच्चों की अजीब सी क्लासेस लगा देते हैं, जैसे डांस क्लास। हाय, क्या तुम भी इधर अपनी मम्मी की वजह से आए हो? हाँ। तुम्हें भी डांस में इंटरेस्ट नहीं है क्या? नहीं। वैसे वो डोकरा क्या कर रहा है उधर? पता नहीं, बोला आज के जमाने का डांस कर रहा है, पर हम तो इधर बैले करने आए हैं। वही ना, पुलिस को बुलाया है, अभी देखते हैं क्या होता है। सही कर रहा है लेकिन? हाँ ये बात तो है। क्या लगता है कब तक कर पाएगा? 10 मिनट तो करेगा अभी। लगी शर्त फिर? आप नशे करके ये सब नहीं कर सकते यहाँ पे, चलिए हमारे साथ। नहीं, एनीबॉडी कैन डांस। हाँ तो ये गंदा डांस फिर अपने घर पे ही कर, बुढ़ाऊ बेचारा। अब गर्मियों में ना लोग अजीब अजीब सी क्लासेस खोल लेंगे, एग्जाम्पल के लिए कोई सेल्फ डिफेंस की क्लास। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और मेरे साथ है हेमू। हेमू, और आज हम आपको सिखाएंगे अगर आपको कोई धार वाली कैंची काट देती। ये क्यों किया तुमने? अगर आपको कोई कैंची गलती से गुप जाती है तो आपको घबराना नहीं है। अरे बाप रे, मेरा खून बह रहा है, मैं मर रहा हूँ। आपको आपके घाव पे सबसे पहले हाथ रख लेना है जिससे खून कम बहे। फिर अगर आपके साथ ये किसी ने किया है तो आपको दबाना है 100 जो कि है पुलिस का नंबर। अगर आपने खुद के साथ ये किया है तो आपको दबाना है 108 जो कि है एम्बुलेंस का नंबर। और अगर ये खुद ब खुद हुआ है तो सॉरी, शायद ये सब काला जादू करने की वजह से हुआ है, या तो आपने किसी दादी माँ की आंखों में आंखें डाल के देखा है। तो दोस्तों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है विकास और ये है हेमू। हेमू। खैर, अगर तुम ऐसी कोई क्लास नहीं जाते तब भी तुम्हारी गर्मी की छुट्टियाँ कुछ खास अच्छी होने नहीं वाली है, क्योंकि अब करने पड़ेंगे तुम्हें घर के काम, जैसे बॉटल में पानी भरना, पानी में बॉटल भरना, पौधों को पानी देना, पानी को पौधों देना, बॉटल भरना, पानी में पानी भरना, बॉटल में पौधे भरना और फेंक देना, अच्छी दूर फेंक देना ताकि कभी वापस नहीं आ पाए। फिर कूलर में पानी भरना। उस कूलर में जब तक पानी भरा रहा होता है तुम साइड में बैठ के अपने जीवन के बारे में सोच रहे होते हो। ये स्कूल वालों ने 2 महीने की छुट्टी बोल के 2 साल की दे दी है क्या? अब तो ऐसा लगता है मैं अनपढ़ हूँ। 1, 2, खैर गिनती तो पहले भी नहीं आती थी, कुछ पढ़ के देखता हूँ। PARLE, बिस्कुट। पढ़ते तो पूरी तरह से आता है। उतनी देर में तुम्हें बाहर से एक आवाज आती है। तुम बाहर जाके देखते हो ये आवाज किस चीज की है, और तुम्हें पता चलता है ये तो एक
ये तो एक गोले वाला है। तुम भाग के उस गोले वाले पास जाते हो और बोलते हो, भैया एक ठंडा गोला बना दो। क्या? एक ठंडा गोला। क्या? भैया एक ठंडा ठंडा गोला बना दो। चिल्ला क्यों रहे हो? वो एक ठंडा ठंडा गोला बना दो। खुद बना लो। और सुनो, बना रहे हो तो एक मेरे लिए भी बना देना। है? तुझे किस बात की अकड़ है भाई? ये पकड़ पैसे, मैं बस खुद के लिए ही गोला बनाऊंगा। पैसे को रॉब किसको दिखा रहा है साले? साइड हट, अब तुझे मैं फ्री में गोला खिलाऊंगा। इतना सब हो ही रहा होता है कि तुम्हें एकदम से याद आता है कूलर का पानी। अबे कूलर का पानी नहीं, नींबू का पानी मिलता है यहाँ। भागना पड़ेगा। और इसी तरह बन गई तुम्हारी गर्मी की छुट्टियाँ। और अब तुम्हारी गर्मी की छुट्टियाँ ऐसी ना जाए, इसलिए मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए कुकू FM। ये वुहू। लेकिन इससे होता क्या है? क्या? लेकिन इससे होता क्या है? सुनाई नहीं दे रहा क्या? Exactly, सुनने के लिए तो बना ही वाला है। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है विद 1000 आवर का नॉन फिक्शन कॉन्टेंट। कुकू FM मेड इन इंडिया है जिसकी 4.5 रेटिंग है। वो सब तो ठीक है, बर्गर मिलेगा क्या इस पे? ए भाई जाओ ना तुम। कचौड़ी? ए भाई जाओ ना यार। खैर, कुकू FM पर तुम बुक समरी से लेकर ऑडियो बुक तक सुन सकते हो अपने रीजनल लैंग्वेज में। इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन 399 का है, मगर तुम मेरा कूपन कोड NYT50 यूज करोगे तो स्टार्टिंग के 250 लोगों को ये 199 में मिल जाएगा। और अभी फिलहाल में एक बुक समरी ईट डैट फ्रॉग सुन रहा हूँ। नई बुक और मेंढकों का कोई लेना देना नहीं है, जाके सुनो, पता चलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुम लोग ने कभी देखा है कार्टून्स में कितनी अच्छी गर्मी की छुट्टियां दिखाते हैं? मोनाको दीदी। हाँ बोलो शिनचैन। ये तरबूज में बीजे क्यों होते हैं? अरे शिनचैन, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ? आए दिन तो तुम्हारी मॉम मुझे यहाँ बुला लेती है, जिसकी वजह से मैं कुछ पढ़ तो पाती नहीं हूँ, है ना? गवार बोलते हैं मुझे सब लोग। और इधर एक तुम, जिसकी चड्डी तक में से पसीना टपक रहा होता है, बैठ के टीवी देख रहे होते हो। शिनचैन की छुट्टियां कितनी मस्त यार। पानी भी खत्म। अब गर्मियों में तुम्हें कहीं बाहर खेलने भी जाना है ना, तो तुम्हें शाम तक के लिए रुकना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम दोपहर में बाहर निकले तो सूरज तुम्हें गले लगा लेगा। ए सूरज दूर हट यार। भाई तुझे पता तो है मुझे गले लगाने की बीमारी है। हट। और शर्मा जी, मैं बता रहा हूँ, मुकेश को ऑफिस आने तो दो, लगा दूंगा उसकी। अरे शर्मा जी, मैं बाद में बात करता हूँ। कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। ए वो चोर चोरी करके चला गया। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अरे बाप रे, अब गर्मियों में तुम्हारे साथ कोई खेलने के लिए भी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे सारे दोस्त गांव गए होते हैं। और इन सालों के गांव में नेटवर्क नहीं होता, फिर भी टावर पे चढ़ के तुम्हें फोटो भेज रहे होते हैं कि कैसे वो उनके गांव में बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं। और इधर तुम, जिसके साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है सिवाय उस बंदे के जो तुम्हें पसंद नहीं है, जिसे गेम्स के नाम पर बस गड़ा गेंद और पिट्टू ऐसे अजीब से गेम्स ही खेलने आते हो, तो अब तुम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए तुम डिसाइड करते हो छांव में बैठने का, क्योंकि तुम्हारे ग्राउंड से तो अभी भी भाप निकल रही है। और इधर तुम छांव में बैठ के पेप्सी पी रहे होते हो। भाई तेरे को पता है ये नाली के पानी की बनती है? तुझे पता है ना, तू वही चीज पी रहा है अभी। अरे नहीं, ऐसा मेरा भाई बोल रहा था। मैंने वो साले को समझाया कि अगर 2 रुपए में नाली का पानी मिल रहा है, वो भी इतना टेस्टी, तो पीने में क्या बुराई है। और तू टेंशन मत ले, मैंने मेरी नाली का पानी भी चखा है, थोड़ा गाढ़ा था लेकिन ऐसा नहीं था। अच्छा चल ये वाली पी ले, ये नाली के पानी की नहीं बनती। थैंक यू नाली का पानी ना पिलाने के लिए। अच्छा वैसे ये किस चीज की बनती है? वो तो बच्चों की नाक की बनती है। क्या? जब इसका टेस्ट इतना अच्छा है। Hey everyone, अगर तुम्हें भी समर पसंद नहीं है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। जो भी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, मैं उनके साथ बनाऊंगा एक व्हाट्सएप ग्रुप, और हम लोग समर को अगली बार आने ही नहीं देंगे। एनीवेज, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक मारना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।